नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर और अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने हिंदुस्तान के अंदर में होलिका दहन का उत्सव मनाया जा रहा है। सबको होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामना। होलिका दहन का मतलब है कि बुराइयों का अंत, या हमारे जो भी दरिद्रता है उसका अंत। जैसे पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि अपने जो भी पुरानी जो कुछ भी ऐसे वेस्टेज चीज़ होती थी, वो होलिका में अपने दे के उसको जला देते थे, ख़त्म कर देते दरिद्रता। मैं ये बोलना चाहूँगा आप सबको कि हमारी 27-28 मार्च को जो टी ट्रेनिंग हो रही है, उसके अंदर में आप इस बार ज़रूर से महाराष्ट्र के भाइयों से अनुरोध है कि वो जितने ज़्यादा आ सकते हैं वो आइए, क्योंकि इस बार अपने लोग पार्टनरशिप के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं। जो भी भाई पुराने आ चुके हैं हमारे साथ में, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, वो भी हमारे पार्टनर रहेंगे। लेकिन जो नए आएंगे वो धीरे धीरे अलग अलग, मैंने जैसे इस वीडियो के अंदर में डिस्ट्रिक्ट और सब के बारे में बताया है, तो आप ज़रूर से आइए और अपने अपने एरिया को कैप्चर करिए बेटर वे के अंदर। अपने लोग आगे आज से एक नया अध्याय चालू करें, अपने लोग सबको ही मिलकर एक टीम के रूप में काम करना शुरू करें। जैसे मैं कई देर हो गई वर्किंग करते हुए, और वर्किंग के बाद में मैंने फाइंड आउट किया कि अपने लोग एक टीम के रूप में आगे बढ़ेंगे। टीम के रूप में इस तरीके से कि न आप अकेले कुछ कर सकते और ना मैं अकेला कुछ कर सकता। मैंने जो प्रोग्राम बनाया, यदि आप लोग हमारे साथ में इसमें सहभागी बनना चाहें, हमारे बिजनेस पार्टनर बनना चाहें, तो जैसे आज मैं महाराष्ट्र के ऊपर में बात करूंगा, महाराष्ट्र के ऊपर में यदि अपने देखें तो 6 अपने मेन डिवीज़न हैं, रीजनल डिवीज़न है। उसमें कोंकण है, पश्चिम महाराष्ट्र देश है, खंडेश है, मराठवाड़ा है, विदर्भा है, नागपुर जिसे अमरावती अपने बोल सकते हैं, विदर्भ में अपने लार्जेस्ट जो सिटी है वो अमरावती की है। जो मैं बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के भाई जो भी हैं वो जानते हैं इस बात को। अपने जैसे हेडक्वार्टर होता है, अपने डिवीज़न जो बनती है उसके अंदर में आप देखेंगे कि अमरावती डिवीज़न है और उसका हेडक्वार्टर अमरावती है, रीजन उसमें विदर्भ बोलते हैं अपने। और उसके अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उसके अंदर में ये है कि आपके 5 डिस्ट्रिक्ट है, अकोला, अमरावती, बुंदाना, यवतमाल, वाशिम। अमरावती लार्जेस्ट सिटी है इसकी। अब अपने लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक को अपने बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, उसके अंदर में बाद में जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन अपने जैसे अमरावती के अंदर में फ्यूचर के अंदर में जाके अपने ऑर्गेनाइज करेंगे सारी टीम को, अपनी जो टीम की मीटिंग होगी वो अमरावती के अंदर में होगी, वो मैं बता दूं। उसी हिसाब से आप लोग ये जो मैंने अभी नाम बताए 5 डिस्ट्रिक्ट का, आप फिर से वीडियो को घुमा के देख लीजिएगा कि मैंने जो बताई है उसके लिए अपने अपने सेपरेट अपने उसमें अपॉइंट करेंगे। बिजनेस का क्या मॉडल होगा मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ आपका। औरंगाबाद जो डिवीज़न है आपका, उसको मराठवाड़ा के नाम से अपने जानते हैं, रीजन जो रहता है, और उसमें औरंगाबाद सबसे बड़ी सिटी है। तो औरंगाबाद, बीड, जालना, ओस्मानाबाद, नंदीद, नाथूर, परभनी, हिंगोली, ये सारी आपके 3, 3, 6, 2, 8 जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए भी अपने लोग काम करेंगे। जो जो भाई हमारे साथ इन डिस्ट्रिक्ट से आना चाहते हैं वो अपना नाम हमें लिखा सकते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ में। फिर कैसे क्या करना है अपने लोग आगे बात करेंगे इसके अंदर में। इस वीडियो को आप लोग सीरियस लीजिएगा क्योंकि नई सीजन चालू हो गई है। अब मैं फटाफट बढ़ना चाहूँगा, मैं आप नहीं रुकने वाला हूँ, और आप लोग का सहयोग साथ में रहेगा तो फिर कहना ही क्या है। बाद में तीसरी जो है कोंकण डिवीज़न है, कोंकण डिवीज़न का रीजन भी कोंकण ही है। उसमें मुंबई सिटी, मुंबई, सुबर्बम, थाने, पनघर, रेगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इसकी मुंबई इसकी मेन सिटी है। यहाँ पे मैंने देखा नाला सुपारा से लेके आपके मुंबई सेंट्रल तक कम से कम भी 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर में, मेरे जितने ध्यान में आती है, कम से कम भी 15,000 चाय की दुकानें होंगी। और जो भी भाई इस रीजन के अंदर में यदि बिजनेस डेवलप करना चाहें, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ।
मेरी अकेले की भी ये कोशिश हो के भी मैं कुछ कर नहीं कर सकता। जैसे आप लोग यदि मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पे गिरनार है, क्योंकि उस उतनी से एरिया में उनकी 50 दुकानें हैं और उनसे उनका बहुत ही अच्छा रिवेन्यू है, जो कि मैं यहाँ पे ओपन नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद में अपने चलते हैं नागपुर डिवीज़न के अंदर, उसको विदर्भ के नाम से भी जानते हैं अपने। इसमें भांद्रा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे विदर्भ के अंदर में। और नागपुर इसकी मेन आपके जो है मेन सिटी जो पड़ेगी वो नागपुर पड़ेगी। तो अपने लोग धीरे धीरे करके आप भी हमें बताएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सही रहूँगा, क्योंकि मैं एक सिस्टम के हिसाब से मैं काम करने वाला बंदा हूँ। और आप लोग हैं पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर में रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, जैसे कि अपने और भी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे जाके। इस वीडियो को आप छोड़िएगा मत, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं नासिक डिवीज़न में, खंदेश बोन के हैं अहमदनगर, धुंडी, जलगांव, नंदुबार, नासिक। नासिक इसकी मेन सिटी है और ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट है, उसकी काम करेंगे अपने लोग। आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आइए आइएगा, क्योंकि उसके हिसाब से बाद में अपने 5 डिस्ट्रिक्ट के जो मेन आप लोग हेड बनेंगे उनका अपने नासिक के अंदर में करके अपने काम आगे बढ़ाएंगे, कि कैसे अपने हो सकता है नासिक के अंदर में फैक्ट्री कर रहे। उसके बाद में पुणे डिवीज़न का यदि बोले, पश्चिम महाराष्ट्र जिसको बोला जाता है, पुणे बहुत ही बड़ा एक अपने आप में है, उसमें कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सांतरा, सोलापुर, ये सारे के सारे उधर में पड़ते हैं। तो इस हिसाब से आपको 6 रीजन, 6 डिवीज़न के बारे में मैंने बताया, 6 आपकी मेन मेन सिटी है लार्जेस्ट सिटी के रूप में। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने लोग एक सिस्टम से काम करेंगे। और चाय के अंदर सर बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता है, आपकी महंगी सस्ती हो सकती है चाय, लेकिन अपने को बिजनेस ऐसा करना है, एक बड़ी कंपनी बन के उभरना है। पहले क्या होता था कि एक बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खाती थी, अभी यदि सब सिस्टम में आ जाए तो छोटी मछलियाँ एक बड़ी मछली का रूप लेके एक अपने बड़े, चाहे कितनी भी बड़ी दूसरी बड़ी मछली हो, उससे भी अपने लोग आकार में बड़े हो सकते हैं। तो वो अपने को एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा, और टीम के रूप में जब अपने काम करेंगे तो अपने को कोई भी नहीं हिला सकता। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जिस भाई को भी बीच में कोई तकलीफ होती है वो अपनी पार्टनरशिप छोड़ सकता है, उसके बीच में वो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ में गलत है। और जो भी भाई पार्टनर बनना चाहे हमारे साथ में वो आ सकते हैं। मैंने पहले भी डिस्क्लोज किया है आप लोगों को कि हम बाकायदा उस एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट का हमारे लोको ब्रांड के ऊपर में लिख के पर्टिकुलर जो पीछे के अंदर में है मार्केटेड बाय दैट कंपनी, तो आपकी कंपनी का नाम देंगे, या आप बोलोगे कि लोको कंपनी की हमें एक महाराष्ट्र के अंदर कंपनी खोलनी है तो वहाँ भी हम खोलेंगे। क्योंकि अभी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम है GST के तहत, एक डिस्ट्रिक्ट, एक अपने स्टेट के अंदर में एक GST नंबर अनिवार्य हर कंपनी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बंगाल के लिए यदि सेम कंपनी है तो भी आपको हर स्टेट वाइज आपको GST नंबर सेपरेट लेना पड़ेगा। तो यदि आप लोगों को, सब भाइयों को तकलीफ़ होती है, तो मैं इसके लिए भी रेडी हूँ कि महाराष्ट्र में मैं अपनी कंपनी खोल के उसके बाद करूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ उसमें काफ़ी झमेला हो जाएगा, डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। डबल टैक्सेशन का मतलब ये हुआ, पहले मैं अपनी यहाँ की कंपनी से कुछ प्रॉफिट रखे उस कंपनी को करूँ, फिर उस कंपनी में कुछ प्रॉफिट रखे आप लोगों की कंपनी को करूँ। उससे बेटर ये रहेगा कि मैं अपनी कंपनी की जो कलकत्ता की है मैं आपकी कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र कर दूँ। आपकी कंपनी नहीं, अपनी एक ब्रांच ऑफिस के रूप में आप समझिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मेरी प्रॉब्लम होगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अपने लोग चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्लीज़ अपने महाराष्ट्र को लेके डिस्कस कर रहे हैं तो मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ आज। उसके बाद में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन रहेंगे महाराष्ट्र को लेके आप हमें बताइए। जैसे 36 डिस्ट्रिक्ट का है अपने महाराष्ट्र के अंदर में, सारी की सारी यदि बात करें तो उसमें अपने डिटेल में चलते हैं। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपने अहमदनगर के लिए अपने जैसे बात करते हैं
उसके अंदर में ये देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन आपके देखे जाए तो अभी 60 लाख के आसपास है, अकोला के अंदर में 20 लाख के आसपास है, अमरावती के अंदर में 32 लाख के आसपास है, आपके औरंगाबाद के अंदर में 32 लाख के आसपास है, आपके बीड़ के अंदर में नियर अबाउट 25 लाख के आसपास है। तो ये सारे के सारे डाटा आप गूगल में या इंसाइक्लोपीडिया के अंदर में जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो ये सारा का सारा यदि अपने पूरा निचोड़ निकाले इसके अंदर में तो आप ये देखेंगे पॉपुलेशन जो है अभी प्रेजेंट के अंदर नियर अबाउट 9,68,78,627 2001 में थी। अभी 2020 के अंदर में 9 करोड़ का कम से कम अपने लोग ये समझते हैं कि 13 करोड़ के आसपास या 12 करोड़ के आसपास तो हो ही गई होगी। तो ये अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस हिसाब से अब अर्बन और अपने उसमें लिटरेसी के अंदर में डेंसिटी के अंदर ये सारी बात है। तो अर्बन के अंदर में आपका देखा जाए तो अर्बन में 42% है, तो रूरल के अंदर ये समझ लीजिए कि नियर अबाउट आपके 58% आपके रूरल हो गया। तो सस्ता माल आपका 58% बिकेगा यदि मोटा मोटी अपने समझे, और 42% आपका प्रीमियम माल बिकेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोगों को सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जो बिजनेस चलेगा वो मास के ऊपर चलेगा और अपने जो प्रॉफिट आएगी वो अपने क्लास के ऊपर आएगी। उसके अंदर अपने को बहुत ही अच्छी प्रॉफिट आ जाएगी जो कि मैं आपको बोल देता हूँ। और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हमें हड़बड़ा के आगे नहीं बढ़ना है, हमें एक एक ब्लेंड सेट करते हुए एरिया वाइज जाना है। उसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार में 10,000 किलो माल बेचें, अपने लोग 500 किलो माल बेचेंगे लेकिन सॉलिड बेचेंगे जिससे कि अपना बिजनेस सेटअप हो। अपने को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करनी है, जैसा कि मैंने राजस्थान के वीडियो के अंदर में बताया कि अभी अपने साथ में जैसे मैं भगवान का आशीर्वाद लेके भी आ चुका हूँ, मुझे पूरा है क्योंकि मैं किसी के साथ गलत करूँगा नहीं और मेरे साथ भी कोई गलत होगा नहीं। तो ये बात है। इसके अलावा भी आपके कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, आपके महाराष्ट्र के अंदर में जितने भी ब्रांड हैं वो बहुत ही अच्छी चाय दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि उन भाइयों ने अपना रास्ता एक साफ कर दिया है, वहाँ का क्या पैटर्न है, हम उनको देख के आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके देखिए आप हमारे यदि सारे वीडियो देखेंगे तो कोई भी वीडियो किसी से भी सिमिलर नहीं मिलेगा। एसोसिएट करने के लिए एक दूसरे वीडियो को जोड़ने के लिए, जैसे कि अपने एक ये जो चैनल है अपना वो एक एजुकेशन चैनल है, वो कोई इस तरीका का इंटरटेनमेंट का या कोई कॉमेडी चैनल नहीं है। अपने लोग जो भी कॉमन बात होती है वो इसलिए बोली जाती है कि अपने लोग एक वीडियो को दूसरे वीडियो से जोड़ सके और कोई भी तरीके की अपने फ्रॉड बात नहीं करें, कोई ऐसी बात नहीं करें कि जो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा कि कई बार मैंने हार्ड लैंग्वेज भी यूज़ की है कि जो चीज़ नहीं हो सकती उसके पीछे अपने को जाना ही नहीं है और जो चीज़ हो सकती है उसको छोड़ना नहीं है, अपने को इस बात का ध्यान रखना है। पिछली बार टोनेन जी, शिवाजी एंड सांतरा से वो साढ़े साहब है ना, बहुत सारे भाई आए थे तो अपने महाराष्ट्र के अंदर में से जैसे पिछली बार और भी काफ़ी जैसे भाई आ रहे हैं वो उनके, तो अपने महाराष्ट्र के अंदर में और भी अपने यानी पुराने भी काफ़ी कस्टमर हैं उनको लेके भी अपने लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन नए भाई जो भी जुड़ना चाहें हमारे साथ में वो जुड़ सकते हैं। अपने लोग एक एक स्टेट लेके, एक एक वहाँ के ब्रांड लेके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप ही छोटे रूप से ही चालू कर रहे हैं, मैं भी एक छोटे रूप से ही चालू कर रहा हूँ। आपका छोटा रूप जब बड़ा रूप बनेगा तो आपके स्टेट के हिसाब से हमें डेवलप करना है सारा का सारा प्रोडक्ट। एंड आप हमें कमेंट करें अपने मोबाइल नंबर के साथ में, आपके भाई बंधु कोई भी यदि बिजनेस करना चाहते हैं चाय का तो आप ज़रूर से ये वीडियो उनके साथ में शेयर करिए, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा। और इस वीडियो के बाद में जो मेरे क्वेश्चन आंसर थे ट्रेनिंग के वो मैं अपलोड करूँगा, जैसे थोड़ा सा आपको क्लियर हो बोल के। अपने को बहुत बड़ी कंपनी इसको बनाना है। आज मैं वसुदेव कुटुंब के हिसाब से चलना चाहता हूँ कि अपने जितने भी भाई हैं वो बराबर के अंदर में
पैसे कमाए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारे, अपने बच्चों की एजुकेशन को संभाले, अपने समाज के अंदर एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकें। देखिए, एक ही आदमी के पास पैसा होने का मतलब ये है कि वही एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, जबकि मेरा ये मानना है कि अपने सबके पास में एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा तो ही अपने लोग एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं, अपने एक स्मार्ट सिटी दे सकते हैं। एक अपने लोग एक ऊंची बिल्डिंग यदि अरबों रुपये की बना के यदि खड़ी कर देते हैं तो उससे समाज का विकास नहीं होता है। यदि हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हमें पूरे समाज को आगे बढ़ाना है, तो सबके पास में पैसे होने ज़रूरी है, सबकी बाइंग कैपेसिटी होनी ज़रूरी है, सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होनी ज़रूरी है, तभी हम अपने हिंदुस्तान को फॉरेन जैसा रूप दे सकते हैं। अदरवाइज इम्पॉसिबल है। चाहे कितनी आप सब्सिडीज खा लो, कितने ही आप 2 रुपये किलो के चावल समझो उसको कर लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बिजनेस को डेवलप करें, न कि हम अपने नौकरी, हमें बॉस बन के रहना है, हमें किसी का नौकर बन के नहीं रहना है। ये इन्हीं बातों के साथ में मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, और क्वेश्चन आंसर का मेरा जो सेशन है वो मैं अपलोड करूँगा, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो फिर से मैं बोलूँगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।